नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेट के फर्स्ट पेपर पर, क्योंकि इस बीच में मेरे पास जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे थे वो यही थे कि नेट का फर्स्ट पेपर कैसे क्वालिफाई करें या उसमें अच्छे से अच्छा नंबर कैसे लेकर के आ सकते हैं। तो आज का वीडियो पूरी तरीके से नेट के फर्स्ट पेपर ओरिएंटेड ही है। इससे पहले मैं बता दूं कि नेट के इन्फॉर्मेशन पे पूरा डिटेल हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपके कुछ प्रश्न आ रहे हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजें, मेरी कोशिश होगी मैं सभी प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। नेट के फर्स्ट पेपर की बात करें तो यह कॉमन भी होता है और कंपल्सरी भी होता है। आप किसी भी विषय से नेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, मगर जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस होता है वो सबके लिए सेम होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें और सभी क्वेश्चन अपने पास दो नंबर रखते हैं। इस तरीके से 100 नंबर का ये पूरा पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको पूरा फ्रीडम है कि आप सभी क्वेश्चन ऑप्ट कर सकें। हमेशा सामान्यता देखा जाता है कि हम अपने सब्जेक्ट के पीछे फर्स्ट पेपर को काफ़ी अंडरएस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन इस समय जो नेट का परसेंटेज जा रहा है, जो नेट और ZRF का परसेंटेज जा रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि फर्स्ट पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मुझे जो लगता है कि कम से कम आपको 35 के लगभग जो है क्वेश्चन सही करने ही होंगे अगर आप नेट और ZRF के कॉम्पिटिशन में बने रहना चाहते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नेट का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी किताबों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो भी आप किन किताबों से पढ़ें कि आप 40 क्वेश्चन के लगभग तो आराम से कर ले जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आप देख सकते हैं, ये जो नेट का सिलेबस है वो 10 पार्ट में डिवाइड होता है। सभी पार्ट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे 50 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा जो सामान्य एडवाइस होता है यही कि आप अगर 10 पार्ट में से कोई भी ऐसा पार्ट, एक पार्ट आपको ऐसा लग रहा है जिसमें आप सबसे ज़्यादा वीक हैं, जो आप नहीं कर सकते हैं, उस पार्ट को आप निकाल दीजिए, उसका लोड आप ले ही मत तैयारी के लिए। आपको 8 या 9 ही पार्ट को लेकर के चलना है। जैसे मेरे साथ मैथ की प्रॉब्लम बहुत होती थी तो मैंने मैथ का जो पोर्शन है वो निकाल दिया था कि मुझे इसको देखना ही नहीं है, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है, उसके अलावा मुझे बाकी चीज़ें देखनी है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो 1-2 पोर्शन आप निकाल दीजिए, क्योंकि हमें पूरी तरीके से फोकस्ड होकर के 40-45 क्वेश्चन अगर हम सही कर ले जाते हैं तो बहुत प्लस पॉइंट होगा। किताबों की बात करूँ तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे गाइड उपलब्ध हैं जो इन सभी सिलेबस को कवर करते हैं। अच्छी किताबें बात करूं तो मैं अरिहंत, KVS मदान और प्रतियोगिता साहित्य, ये सभी किताबें ऐसी हैं जो सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करती हैं, जिसमें KVS मदान में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एनालिसिस और हायर एजुकेशन का जो पोर्शन है वो अच्छा दिया हुआ है। वहीं अरिहंत में लॉजिकल जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। आप देख सकते हैं जो भी पोर्शन आपका ज़्यादा वीक है उस हिसाब से आप किताबों को चयन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता साहित्य और उपकार जैसी जो गाइड हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं, इन सभी को आप ले सकते हैं। इन सब में अगर कोई बेस्ट किताब की बात करूं, एक बेस्ट गाइड की बात करूं, तो मुझे KVS मदान की जो पुस्तक है वो ज़्यादा सही लगी, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है, ब्रॉड है, लेकिन जिन क्वेश्चन में आपको ज़्यादा गलतियाँ करने की ज़्यादा स्कोप है वो पोर्शन जो है वो KVS मदान में ज़्यादा अच्छा है। जैसे लॉजिकल जितने भी हैं, पेडागॉजी हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चन है जो हम कितना भी पढ़ लें गलत करते ही हैं, ये पोर्शन मुझे KVS मदान में ज़्यादा सही लगा। इसके अलावा अगर आप एकदम डीप पढ़ाई करना चाहते हैं और टाइम है आपके पास, आप नेट के फर्स्ट पेपर में बिल्कुल वीक हैं, तो आप हर पोर्शन के हिसाब से अलग अलग पुस्तक का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एनालिसिस और हायर एजुकेशन की बात करूं तो इसके लिए आप नेट की कोई भी गाइड उठा लीजिए जिनका मैंने नाम लिया, उन सभी में आपको मिल जाएगा, प्रॉपर मटेरियल मिल जाएगा। इसके बाद जो पोर्शन जिस पे आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और जिसमें सॉलिड नंबर मिलता है वो है आपका मैथ, DI और लॉजिकल क्वेश्चन। तो इसके लिए आप बैंक के जो भी बैंक का कंपटीशन होता है उसका कोई भी बेसिक बुक उठा लीजिए, उसका जो सिलेबस है मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस है
उसका कोई भी बेसिक बुक किताब ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस कर डालीजिए, वो नेट के सिलेबस के लिए बिल्कुल से एनफ है। अगर आप चाहते हैं तो मैं किताब का नाम भी आपको सजेस्ट कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, उसमें से आपको जो भी किताबें आपको मिल जाए ईजिली, कोई किताब एक दो किताब का स्पेशली नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बैंक की कोई भी बेसिक किताब आपको मिल रही है, आप मैथ DI और रीजनिंग के लिए कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं ICT कम्युनिकेशन की, तो इसके लिए आप MP की MPPCS के प्री के लिए निर्माण IAS द्वारा दर्पण नाम की एक किताब निकाली जाती है कम्युनिकेशन और ICT के लिए, उसमें भरपूर मैटर उपलब्ध है। अगर आपको डीप स्टडी करनी है, अगर आपका वो पोर्शन वीक है कम्युनिकेशन और ICT, तो आप उसके लिए उस किताब से पढ़ सकते हैं। एनवायरनमेंट की बात करूँ तो बहुत करंट पूछता है, एनवायरनमेंट बिल्कुल करंट रिलेटेड पूछता है, तो किसी भी करंट अफेयर्स की किताब में से आप जो भी एनवायरनमेंट का पोर्शन है उससे लेकर के नोट्स बना लें, खुद की नोट्स बना लें, जितना भी एनवायरनमेंट का करंट पोर्शन का बुक किताब करंट पोर्शन की क्वेश्चन आपको दिखे उन सबका एक अलग नोट्स बना लें, और वो सफिशियंट है एनवायरनमेंट के पोर्शन को कवर करने के लिए। इसके अलावा कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के लिए कोई भी बेसिक किताबें उठा लें, या फिर परीक्षा मंथन की कंप्यूटर आती है आप उससे भी पढ़ सकते हैं। इन सब में जो सबसे ज़रूरी है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना, तो चाहे यूथ की या किसी भी अन्य प्रकाशन की आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लें। यूथ की मैंने देखी, मुझे सबसे अच्छी लगी क्योंकि उसमें सॉल्व बहुत अच्छी तरीके से किया है और गलत उसमें जो क्वेश्चन है बहुत कम है, तो आप यूथ की ले सकते हैं। सॉल्व में भी आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो उसमें सॉल्व का आंसर दिया रहता है उसमें भी बहुत सारे गलत उत्तर दिए होते हैं, तो उस पर डिपेंडेबल नहीं होना है, आपको अपने हिसाब से उसको सॉल्व करते हुए भी जाना है। इसके अलावा प्रैक्टिस बुक, जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सके, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हैं या नए क्वेश्चन हैं, वो सब लेकर के आप प्रैक्टिस करिए, वो सबसे ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इन शॉर्ट में मैं कहूँ तो जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले आप सिलेबस ले लें, उसकी स्टडी कर लें, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर सेक्शन को डिवाइड करके देख लें कि कौन सा सेक्शन आपके लिए ज़्यादा ईजी है, कौन सा सेक्शन टफ है, इसी सेक्शन को आप अलग पार्ट में डिवाइड कर लें और उससे रिलेटेड किताबें देख लें, उसके बाद जो टफ पोर्शन है सेक्शन है उसको अलग डिवाइड करके उसकी स्टडी कर लें, उसमें से जो भी एक दो आपको लग रहा है जो आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं, टाइम कम है तो उसको आप निकाल दीजिए। आपको 40 क्वेश्चन टारगेट रखना ही होगा फर्स्ट पेपर के लिए, अगर आप 40 क्वेश्चन के आसपास भी अगर कर ले जाते हैं तो आपका आपको दो फायदे होते हैं, एक तो आपका अपने सब्जेक्ट पे बर्डन कम हो जाता है, दूसरा नेट और ज़ियारफ, मुझे लगता है ज़ियारफ के लिए आप बहुत आसानी से कम्पीट कर ले जाते हैं। तो सिलेबस इकट्ठा कर लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप एक तरफ आप पढ़ते जाएं, दूसरी तरफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करते जाएं, लास्ट में आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे पूरी इस उम्मीद है कि आप 35+ क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी आपके क्वेश्चन नेट के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड बनते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं सभी प्रश्नों का सही जवाब दे सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। मेरे और मेरे टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं, शुक्रिया।